हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पे जनरल है या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे यह आपका सरकारी नौकरी रहेगा, परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या रखा है। तो अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो या फिर आपकी ब्रांच और भी अदर हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा और जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए यहाँ पे टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिलेगा। दोनों का सैलरी यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। और इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट हमने रखा है वो आपका रहेगा यहाँ पे 1200 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना है ताकि वीडियो उन सभी लोगों तक पहुँच सके जो यहाँ पर एलिजिबल है। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है और एंड यहाँ पे आपका पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, साथ ही साथ आप अभी कौन से लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझको बताया है। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पे मैं आपको प्रीमियम टाइप के जॉब अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा, साथ ही साथ एनटीपीसी लिमिटेड के मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर रहेंगे, नोट्स रहेंगे, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हम बात करेंगे उन्हीं पॉइंट के बारे में जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दिया है और ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा, दो टाइप की पोजीशन निकाली गई है, जिसमें आपका पहला पोजीशन रहेगा डिप्लोमा ट्रेनी का, दूसरा पोजीशन रहेगा यहाँ पे टेक्नीशियन ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। ऊपर ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है जिसको आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ब्रांचेज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। ट्रेड यहाँ पे फिटर एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट मटेरियल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टोर कीपर ट्रेनिंग का भी पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग टाइप की पोजीशन देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे कि जो डिप्लोमा ट्रेनिंग का पोजीशन है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों के लिए 11 वैकेंसी है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर यहाँ पे 4 वैकेंसी है, सिविल के लिए 1 वैकेंसी है और यहाँ पे आईटी वालों के लिए और असिस्टेंट मटेरियल वालों के लिए, स्टोर कीपर वालों के लिए यहाँ पे फिटर के अंदर 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के अंदर 10 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अंदर यहाँ पे 10 वैकेंसी है और यहाँ पे स्टोर कीपर के अंदर 5 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी जो आपका रहेगा डिप्लोमा ट्रेनिंग का वो आपका 24,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपका 2 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड देखने को मिलेगा। 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद आपका जो यहाँ पे सैलरी रहेगा पे स्केल W7 ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि 35,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये के बीच के अंदर आपका सैलरी यहाँ पर रहने वाला है। और अगर बात की जाए यहाँ पे टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए, असिस्टेंट मटेरियल की पोजीशन के लिए और स्टोर कीपर की पोजीशन के लिए, इसके अंदर भी आपका 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपकी ये सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका पे स्केल यहाँ पे W3 ग्रेड का देखने को मिलेगा। सैलरी आपकी रहेगी यहाँ पे 23,000 रुपये से लेके आपका यहाँ पे 30,000 रुपये के बीच के अंदर आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बात की जाए कि अगर आप यहाँ पे आसाम के निवासी है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। अपर एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 38 ईयर आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि ये जो दे रखा है वो आपका जनरल कैंडिडेट के लिए दे रखा है। और अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो अगर आप 38 साल के हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात की जाए,
इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% के साथ, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन में, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 60% के साथ, 60% का होना जरूरी है। और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 60% के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के अंदर यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा किया सिविल में 60% के साथ, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे SST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, तो अगर आप पास हैं मतलब कि आपके 36% है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पे बात की जाए स्टोर कीपर के लिए, असिस्टेंट मटेरियल के लिए और टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे फिटर के अंदर अगर आपने ITI कर रखा है फिटर से, चाहे NCVT से कर रखा हो, SCVT से कर रखा हो, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वैकेंसी है, तो अगर आपने ITI किया 10वीं के बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए वैकेंसी है, तो 10वीं के बाद अगर आपने ITI किया इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के अंदर, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे NCVT से कर रखा हो या फिर SCVT से कर रखा हो। उसके अलावा यहाँ पे स्टोर कीपर ट्रेनिंग का वैकेंसी है, जिसमें अगर आपने यहाँ पे ITI कर रखा है या फिर कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है स्टोर कीपिंग के अंदर, प्लस यहाँ पे आपका जो इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट आपका हो यहाँ पे होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आपने ITI कर रखा है फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, प्लस यहाँ पे आपका जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपका यहाँ पे होना जरूरी है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो भी रहेगा प्रोफिशिएंसी, वो आपका यहाँ पे होने वाला है। MS ऑफिस का आपको नॉलेज होना जरूरी है, जो कि डिजायरेबल यहाँ पे रखा है, मतलब कि अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके बिना भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि जानना जरूरी है, देखिए चाहे डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन हो या फिर स्टोर कीपर का पोजीशन हो, कोई दूसरा पोजीशन हो, उसके अंदर आपके 2 स्टेज यहाँ पे होने वाले हैं किसी भी पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टेज रहेगा यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी की पोजीशन के लिए, इसमें आपके यहाँ पे फर्स्ट स्टेज के अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मतलब कि आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपका स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई हो जाता है DET की पोजीशन के लिए, तो सेकंड स्टेज के बेस पे ही आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा, और उसी के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट रहेगा, उसी के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, जो कि सेकंड स्टेज के अंदर होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 का, 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए, असिस्टेंट मटेरियल की पोजीशन के लिए या फिर स्टोर कीपर की पोजीशन के लिए, उसमें भी आपके 2 स्टेज रहेंगे, पार्ट फर्स्ट रहेगा, पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट फर्स्ट के अंदर यहाँ पे 70 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग रहेंगे, और यहाँ पे पार्ट सेकंड के अंदर आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका इंग्लिश, क्वांट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब कुछ आने वाला है, और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, तो पेपर को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से अटेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है कैटेगरी वाइज वैकेंसी को, जो कि आप देख सकते हैं SC ST OBC UR EWS और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे मेंशन कर दी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी है डिप्लोमा के लिए और टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अप्लाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका जो अप्लाई प्रोसेस रहेगा वो आपका 23 अगस्त 2023 से स्टार्ट होने वाला है, कल से ये इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में मेंशन कर रखा है, 23 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट जो रहेगा आपका 15 सितंबर 2023 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी मैंने इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तब नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है उस तरीके के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डायरेक्टली आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आपको एक नोटिस बोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी और यहाँ पे टेक्नीशियन ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन जो प्रोसेस रहेगा वो 23 अगस्त 2023 से स्टार्ट होने वाला है, कल की डेट के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप में से किसी को अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि क्लिक हेयर यहाँ पे, इस पर क्लिक करके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका हो गया। और यहाँ पे अगर आप कल चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन भी दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को, अपने ट्रेड को और आप कौन सी लोकेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं ये सारी चीज़ें बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।